गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो टूडेज हॉल इज मिंत्रा हॉल वीडियो। तो मैंने इसमें काफी सारे प्रोडक्ट्स मंगवाए थे और काफी सारे मैं शेयर भी करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। और इस बार मैं काफी डिसअपॉइंटेड हुई क्योंकि जो मैंने प्रोडक्ट मंगवाए थे उसमें से काफी रॉन्ग प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुए, तो वो मैं ऑलरेडी रिटर्न कर चुकी हूँ। पर जो मैंने ऑर्डर किए थे मैं उसके बारे में भी इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नए है चैनल पे या सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिएगा जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। सभी प्रोडक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, प्राइजेस स्क्रीन पे मेंशन होंगे। और विदाउट मच फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस हॉल वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको एक ड्रेस दिखाना चाहूंगी जो मैंने मिंत्रा से ली है। ये है ब्रांड एंथिया से, एक्स्ट्रा स्मॉल मेरा साइज है। तो ये इस तरीके की मिनी स्कर्ट नहीं सॉरी मिनी ड्रेस है, स्ट्रैपी ड्रेस है, पार्टी ड्रेस है ये एक्चुअली। तो इस तरीके की इसमें आपको स्ट्रैप्स मिलती हैं और इस पे ये सीक्विन वर्क किया गया है। हॉट पिंक कलर में ये ड्रेस है और पूरी इस तरीके की टूले जैसे टाइप की या लेयर्ड नेक वाली फ्लेयर वाली स्कर्ट्स आती है ना, उस तरीके का इसका फ्लेयर पोर्शन दे रखा है। आप देख पा रहे होंगे नेट के इसमें काफी सारे इस तरीके के रफल्स वाले इन्होंने डिटेलिंग कर रखी है। तो देखने में बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये टीनेजर एज वगैरह आई थिंक गर्ल्स पर ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ मुझे लगता है ये इस तरह की ड्रेस टीनेजर गर्ल्स वगैरह पे काफी अच्छी लगेगी, काफी गर्लिश लुक देगी। तो बाकी इसका लुक ट्रायन पार्ट में आप देखेंगे। इसके जो यहाँ पे ये देखिए वेस्ट पोर्शन पे ना उन्होंने इलास्टिक भी लगा रखी है। एक्चुअली मैंने इसको पहन के नहीं देखा है तो ये कैसी लगेगी आई डोंट नो। ट्रायन पार्ट में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस पे ये टिकटॉक वाला बटन भी लगा रखा है, टिकटॉक बोलते हैं या टिकटॉक पता नहीं, इस तरीके का लगा रखा है। ठीक है, तो इस तरीके की ये आपको मिनी ड्रेस मिलती है। नेक्स्ट पीस है वो एक सेट है जो सांगरिया ब्रांड से है, प्योर कॉटन फैब्रिक में है। तो इसमें मुझे एक पेपलम स्टाइल की ट्यूनिक मिलती है और ट्राउजर पैंट मिलता है। तो ये देखिए ब्लैक कलर में है, प्योर कॉटन फैब्रिक है और साइज मेरा एक्स्ट्रा स्मॉल है। इस तरीके की पेपलम स्टाइल की शॉर्ट कुर्ती या ट्यूनिक आप बोल सकते हैं वो मिलती है। आगे बटन्स मिलते हैं जो सभी ओपन नहीं होते, आगे के सिर्फ टू बटन्स ओपन हो जाते हैं, बाकी सब शो ऑफ के लिए हैं। फुल स्लीव्स मिलती हैं, यहाँ पे आपको इसमें एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है और आप ये जो देख रहे हैं ये प्रिंट है, बाकी ये जो वेस्ट पोर्शन पे उन्होंने दे रखा है ये एम्ब्रॉयडरी है। ये देखिए तो इस तरीके की पेपलम स्टाइल की कुर्ती मिलती है, बैक से प्लेन है और इसके साथ मुझे ये ब्लैक कलर का सॉलिड ब्लैक कलर का ट्राउजर रिसीव हुआ है। पीछे इसमें इलास्टिक है तो इस तरीके का है ये, और इसमें यह देखिए नीचे इसके हम पोर्शन पे हल्की सी स्लिट दे रखी है और आई थिंक हाँ पॉकेट्स भी दे रखी हैं इसके साइड में। तो ये ट्राउजर आप डिफरेंट वे में स्टाइल कर सकते हैं, किसी टॉप के साथ पहन सकते हैं, किसी कुर्ती के साथ पहन सकते हैं, किसी के साथ भी पहन सकते हैं। तो काफी वर्सेटाइल पीस है ये, तो ये भी मुझे क्वालिटी वाइज और लुक वाइज काफी अच्छा रिसीव हुआ है। तो नेक्स्ट मैंने एक टू पीस सेट लिया था, दोनों अलग अलग थे, ब्रांड शाइबे ससफ्रास से है, इसका एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है। मैंने क्रॉप टॉप और इसके संग इसी की मैचिंग एक स्कर्ट ली थी, सेम ब्रांड में ही थी, तो उसकी जगह मुझे उसी सेम ब्रांड का कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट रिसीव हो गया तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। बाकी मैंने इसके साथ जो स्कर्ट ऑर्डर की थी वो भी मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन पे पिक्चर मेंशन कर दूंगी इसके साथ ही। तो ये एक क्रॉप टॉप है, तो ये एथनिक मतलब पूरा एक सेट बनके काफी अच्छा लगता पर मुझे इसके साथ वो रिसीव ही नहीं हुआ। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है मिंत्रा में, इस बार बहुत ही मुझे डिफरेंट प्रोडक्ट रिसीव हो रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये क्रॉप टॉप है इस तरीके का, ये देखिए वी नेक का और सिल्क पॉलिएस्टर सिल्क इसका फैब्रिक है। फुल स्लीव्स का मिलता है ये क्रॉप टॉप, बहुत ही अच्छी पफ टाइप की स्लीव्स दे रखी हैं। और इसके संग जो मैंने ऑर्डर किया था सेम फैब्रिक सेम प्रिंट में स्कर्ट मिलती तो वो काफी अच्छा लगता जो मुझे रिसीव नहीं हुआ। मैं जिप क्लोजर दे रखा है, ठीक है, तो इस तरीके का मिलता है। इसमें भी दो तीन कलर ऑप्शन और डिफरेंट प्रिंट्स अवेलेबल थे, एक ऑलिव ग्रीन कलर में, एक ब्लू में, तो वो भी ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो गाइज मैं काफी समय से बेज या डार्क ब्राउन कलर के हाई वेस्ट ट्राउजर की हंट में थी, तो मैंने इस चक्कर में काफी सारे ऑर्डर कर लिए क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन सा मुझ पर बेस्ट लगेगा, किसकी फिटिंग अच्छी आएगी। तो काफी सारे मैंने लिए हैं, इसमें से मुझे एक काफी पसंद आया है और मैं वो रखने वाली हूँ, बाकी सब रिटर्न करने वाली हूँ
ठीक है। तो जो मुझे पसंद आया और मैंने और कौन कौन से लिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जो मुझे पसंद आया पहले वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये मैंने सब आई थिंक कुछ अजियो का है और कुछ मिंत्रा के हैं। तो ये मैंने अजियो से ली है, ये है ब्रांड टेंड्रियल से और 36 मेरा इसमें साइज है, 36 आई थिंक 26 वेस्ट साइज के लिए है इस ब्रांड में। तो इस तरीके की ये हाई वेस्ट ट्राउजर मिलता है मुझे, इसकी फैब्रिक क्वालिटी सब कुछ बहुत अच्छा लगा, काफी हाई वेस्ट तक आता है। तो ये देखिए इस तरीके का ट्राउजर मिलता है, इसका फैब्रिक भी काफी अच्छा है, स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, ठीक है। तो ये इस तरीके के ऑफ व्हाइट कलर में मिलता है आपको, और इसका बेल्ट पोर्शन आप देख पा रहे होंगे इस तरीके का है, इसमें यहाँ पे बटन भी दे रखा है यहाँ लगाने को, फिर ये इस तरीके का फैब्रिक वाला बेल्ट दे रखा है जिसमें ये बकल लगी है। बाकी लुक आप देख पा रहे होंगे कि कैसा लगेगा, ये इस तरीके का बेल्ट लगेगा इसमें आगे पूरे में, सॉरी पूरे में नहीं, आगे यहाँ पे इस तरीके की प्लेटेड वाली स्टाइल दे रखी है जैसे ट्राउजर्स में होती है, फ्रंट में टू पॉकेट्स हैं, इस तरीके का ये ट्राउजर है। कभी मंगवाया था एक जो कि काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन मुझे इसकी इतनी फिटिंग अच्छी नहीं लगी। तो इसमें मैंने साइज क्या लिया है, आई थिंक ये शायद बड़ा साइज आ गया है इसलिए मुझे शायद फिटिंग अच्छी नहीं आ रही, यूर 36 ही है इसकी, कुछ इसका जो लिनिन वाला फैब्रिक है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, जैसे पता ही होगा आप लोगों को H&M के मतलब क्वालिटी का कोई इश्यू रहता नहीं है, काफी सॉफ्ट फैब्रिक के आते हैं। तो इस तरीके का है ये, सेम कलर में है, प्लीटेड ट्राउजर है, ठीक है। बाकी ट्रान पार्ट में मैं पहन के भी दिखा दूंगी। बैक में इन्होंने कुछ पॉकेट नहीं दे रखी है, सिर्फ पैटर्न दे रखा है सब, और फ्रंट में आपको टू पॉकेट्स मिल जाती हैं। तो मुझे ये काफी लूज लगा, मुझे अपने ऊपर इसकी फिटिंग ज्यादा अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ, मुझे इतना पसंद नहीं आया। बट अफोर्डेबल रेंज में लिया है, वो मैंने रिव्यूज काफी अच्छे सुने थे पर मुझे मुझ पर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा, बहुत ही मतलब बहुत ही वाइड लेग वाला है, तो मुझे लगता है उससे ना आप और चौड़े चौड़े दिखते हो, मुझे उतना पसंद नहीं आया। ये है ब्रांड टोक्यो टॉकीज से, और वेस्ट हाई वेस्ट है, काफी अच्छे मतलब हाई वेस्ट दे रखी है इन्होंने, और इसमें साइज क्या है मेरा 28 है, 28 से ये स्टार्टिंग थी, इस तरीके का है। तो ये समर में ये वाला इस तरीके का फैब्रिक बहुत अच्छा रहेगा, काफी कम्फर्टेबल फैब्रिक है, लेकिन इसका जो ये इतना चौड़ा चौड़ा दे रखा है ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैं अगेन इसको रिटर्न करने वाली हूँ। इस तरीके का ये ट्राउजर मिलता है, यहाँ पे इन्होंने जिप दे रखी है, ये लगाने को ये दे रखा है, ठीक है, बटन भी दे रखा है। तो गाइस जो नेक्स्ट मैंने एक ट्राउजर लिया है सेम कलर में, बेज कलर में ही, ये वैन ह्यूसन से है और 26 इंचेस मेरा साइज है। तो ये भी मुझे उतना पसंद नहीं आया, बाकी फैब्रिक क्वालिटी वाइज काफी अच्छा, एकदम प्योर कॉटन फैब्रिक है, समर में काफी अच्छा रहेगा ये फैब्रिक, और इसका पैटर्न आप देख पा रहे होंगे इस तरीके का है, आगे ये तीन इन्होंने ये लगाने को दे रखे हैं, यहाँ पे जिप है नीचे, और काफी अच्छी हाई वेस्ट है, और इसके वेस्ट पे इन्होंने इलास्टिक भी लगा रखी है, और यहाँ पे इन्होंने ये बटन दे रखा है जो आई थिंक सिर्फ शो ऑफ के लिए है इस तरीके का। तो बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ट्रायल पार्ट देख के कि कौन सा बेटर फिट का, कौन सा मुझ पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये भी अगेन मुझे काफी क्वालिटी वाइज लुक वाइज अच्छा लग रहा है, पर मुझे खुद पर उतना अच्छा नहीं लगा है, तो अगेन मैं इसको भी रिटर्न करने वाली हूँ। जो नेक्स्ट पीस है वो एक ये काफ्तान कुर्ता है जो आजकल काफी ट्रेंड में इन चल रहे हैं इस तरीके के। पर्सनली मुझे इस तरीके के काफ्तान ड्रेसेस या कुर्ता पसंद नहीं, इसलिए मैंने अभी तक किसी भी आई थिंक अपने हॉल वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, शायद एक में किया था, ठीक है। तो ये है ब्रांड शाय बाय ससफरा से, एक्स्ट्रा स्मॉल मेरा साइज है। तो ये कुछ ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है ये, ठीक है। तो शीयर रहेगा अंदर, आपको एक्चुअली अंदर आपको पहनना नहीं है आई थिंक इसमें अंदर, हाँ इन्होंने ये देखिए अटैच्ड इन्होंने कॉटन फैब्रिक की अंदर स्लिप लगा रखी है, ठीक है। तो अलग से पहनने का झंझट नहीं रहेगा आपको। तो इसमें ये गोटा पट्टी की डिटेलिंग कर रखी है इसकी नेक पे, ऐसे बोल्ड फ्लावर प्रिंट्स किए गए हैं, ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है जो कि बहुत ही काफी रिच फैब्रिक लगता है। तो इस तरीके का ये आपको काफ्तान कुर्ती मिलती है, इसके वेस्ट पोर्शन पे आपको बांधने को ये मिल जाएगा जिसके थ्रू आप इसको टाइट कर सकते हैं इस तरीके के, देखिए जिसमें टैसल्स रखे हैं, और बैक से ये इस तरीके की है। बाकी लुक वाइज ये ट्रायल पार्ट में आप देख रहे होंगे कैसा लग रहा है।
इस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक देना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अभी तक नहीं किया है तो वी विल मीट वेरी सून इन द नेक्स्ट ऑल वीडियो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ योर फैमिली स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड गाइस बाय बाय।